दोनों हाथों की मुट्ठी बांध करके यम 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 तीन बार कह दीजिए, आपका प्यार जहां भी होगा तत्काल होगा तुम्हारे चरणों में। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है, शादी के पहले शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है, हर बार आपको जिताया जाता है और हर बार आपकी लाइफ को बेहतर बनाया जाता है। यहां सिर्फ और सिर्फ प्यार में परेशान लोगों को ठीक किया जाता है, उनकी मदद की जाती है। यहां पिछले 20-21 सालों से ये काम हो रहा है और अभी तक 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और सक्सेस रेट यहां का 96% है और ये सब निरंतर जारी है क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च हो रहा है और वो रिसर्च आपको बताया जाता है, आपको सरलता से साझा किया जाता है। आज हम कह रहे हैं बस इस प्रकार से दोनों मुट्ठियां बांध कर यम 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 तीन बार बोल देना, उसके बाद आपका प्यार आपके चरणों में होगा, आपका पार्टनर, आपका रिश्ता हर हाल में आपका होगा। जब बहुत रोने का मन करे, जब बहुत व्यवस्था हो जाए, जब बहुत परेशानियां घेर लें, जब आपको चारों तरफ अंधकार नजर आए, जब आपको कुछ भी समझ ना आए, क्योंकि देखना, ध्यान से समझना, परमात्मा कहीं दूर बैठकर सब देख रहा है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भाष्वान् देशति हसिष्यति पंकजश्री यत्थं वचन्ति तुको भवते दुरेभे हा हंत हंत नलिनी गजबुज्जहारा। ध्यान से सुनना बच्चों, हर हाल में तुम ठीक हो सकते हो, हर हाल में तुम्हारी समस्या, तुम्हारी परेशानी ठीक हो सकती है, बस तुम डरना मत, भयभीत मत होना। और हाँ, इन मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिकों के चक्कर में तो बिल्कुल परेशान मत होना, इनके चक्कर में पड़ना मतलब सब बर्बाद कर लेना। तो तुम सावधान हो जाओ, सुनिश्चित और सुरक्षित हो जाओ, आपका जीवन बेहतर होने की तरफ बढ़ रहा है। क्यों किसी के चक्कर में पड़ना, तुम खुद अपने पंडित पुजारी बाधा क्यों नहीं बन जाते। तो बांध लो दोनों मुठ्ठियां और बोलना यम यम यम। जानिए वो पूरा का पूरा विषय, विश्लेषण, तरीका, ढंग, सिस्टम, जिससे तुम्हारा प्यार सदा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूँ, उसके पहले एक वॉइस मैसेज सुना रहा हूँ आपको, एक वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी को नमस्ते मेरी तरफ से। गुरुजी आपकी कृपा से सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है और आज उसका कॉल आया और उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुजी, और बस इतना पॉजिटिव रिजल्ट आया है, आगे को मुझे पूरा भरोसा है कि और भी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। आपकी चारों तरफ से समस्याएं समाप्त हो और आप हमेशा खुशहाल हो, बेहतर हो, अपने जीवन में हर कुछ प्राप्त करें, आप हमेशा सफलता की ओर बढ़ते रहें, ऐसी शुभकामनाएं, आशीर्वाद, आप बेहतर रहें। ब्रह्मलीन पूज्य महर्षि महेश योगी जी के दैवी आशीर्वाद से शिवरात्रि के पावन अवसर पर 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण एवं श्री शिव महापुराण कथा रास की समृद्धि, शांति एवं विकास हेतु सुने दिव्य ज्ञानी शिव भक्त परम पूज्य आचार्य सतीश सदगुरु नाथ जी महाराज के श्री मुख से दिनांक 29 फरवरी से 8 मार्च 2024 सायं 4 बजे से 7 बजे तक मंगल कलश यात्रा 28 फरवरी 2024 स्थान रामलीला मैदान महर्षि आश्रम महर्षि नगर सेक्टर 110 नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। सीधा प्रसारण सदगुरुनाथ जी महाराज के YouTube चैनल पर देखें। भक्तमय कथा का आयोजन करवाने एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 6391 2929 2989 1702 0202। विख्यात शिव महापुराण कथा वाचक सदगुरुनाथ जी महाराज के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। जीवन में कुछ भी तब मिलता है जब गुरु का आगाज होता है। रास्ता पता हो तो जीवन में इंसान वहां तक जल्दी पहुंचता है। जैसे ही आप प्रशस्त मार्ग पर चलते हैं तो आपका जीवन प्रशस्त होता है। सही मार्गदर्शक
सही गुरु, सही वकील, सही एडवोकेट, सही डॉक्टर, सही टीचर, जैसे ही सही सलाहकार आपके जीवन में आता है किसी भी संदर्भ में, तो आप सही हो जाते हैं और आपका सब ठीक होने लग जाता है। ध्यान से करना, पूरी श्रद्धा और विश्वास से करने की आवश्यकता है। अब आपको करना क्या है, एक कागज में अपने प्यार का नाम उल्टा लिखना है, सीधा नहीं लिखना, ध्यान से समझिएगा, उल्टा लिखना है, और एक कागज में अपना पूरा का पूरा नाम उल्टा लिख लेना है। अब उल्टा लिखा हुआ नाम उल्टे उल्टे हाथों में पकड़ लेना है, यानी पार्टनर का बाएं हाथ में और आपका दाहिने हाथ में, इन दोनों चीजों के साथ में थोड़ी थोड़ी पीली सरसों हाथ में बंद कर लीजिए और सीधे पकड़ लीजिए, और आपको तीन बार कहना है यम यम यम। तो मुंह है उसको थोड़ा जिस प्रकार मैंने बोला है स्वर ऐसा ही रखिएगा। वेद कहता है चारों के चारों वेदों का स्वर अलग है, शुक्ल यजुर्वेद जब हम पढ़ते हैं तो हस्त स्वर लगा के गणानंत गणपति गुण ऐसा स्वर करते हैं, हम सामवेद पढ़ते हैं तो तो हर एक वेद का अपना स्वर अलग है, हर वेद का अपना मतलब अलग है, इस तरह हर मंत्र का अपना तरीका अलग है। इस मंत्र को ऐसे ही बोलना जैसे कहा है, और इन दोनों की दोनों मिट्टियों को खूब सारा जहां अंगार बना सको आग का उसमें डाल सकते हैं, और या तो बहते हुए पानी में डाल सकते हैं, पर मुट्ठियां आपकी तभी खुलेंगी जहां ये दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी, या तो जल में निमग्न या तो अग्नि में निमग्न, या तो जल में निमग्न करें या तो अग्नि में निमग्न करें, और ऐसा करने से तत्काल आपके जीवन की समस्याएं समाप्त होंगी, आपके जीवन में प्यार का प्रादुर्भाव होगा और तुम स्वस्थ होगे। किसमें? प्यार में। तुम्हारा वो काम जिसके लिए तुम बहुत परेशान हो तत्काल हो जाएगा, जिसके लिए तुम्हें रोना पड़ रहा है, दुखी होना पड़ रहा है, गली गली भागना पड़ रहा है, जाने क्या क्या करना पड़ रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी व्यवस्था 100% ठीक हो, इसी के लिए ये सब कुछ आपको बता रहा हूँ। पूरी श्रद्धा विश्वास से करना, ये उपाय अपने आप में भगवान प्राप्ति का उपाय है। जितनी श्रद्धा से करेंगे उतनी जल्दी ठीक होगा। गुरु आदेश की आवश्यकता है, गुरु के साथ संलग्न रहने की आवश्यकता है, जितना हो सके गुरु चरणों में अनुराग रखने की नीड होती है। उपाय जितना काम करता है उससे ज़्यादा गुरु की भक्ति, गुरु की ताकत, उसकी तपस्या काम करती है। बहुत मन से बड़ी श्रद्धा से उपाय करें, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। हर आधे घंटे में मुस्कुरा के पानी पीजिए, और हाँ प्रणाम करके पानी पीजिए। जितना हो सके अपना खूब ख्याल रखिए, खूब मुस्कुराइए, खूब सुंदर बनिए, अच्छे रहिए। रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, किसी भी तरह से उल्टा सीधा नहीं सोचना, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मलीन पूज्य महर्षि महेश योगी जी के दैवी आशीर्वाद से शिवरात्रि के पावन अवसर पर 125 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण एवं श्री शिव महापुराण कथा रास की समृद्धि शांति एवं विकास हेतु सुने दिव्य ज्ञानी शिव भक्त परम पूज आचार्य सतीश सदगुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से दिनांक 29 फरवरी से 8 मार्च 2024 सायं 4 बजे से 7 बजे तक। मंगल कलश यात्रा 28 फरवरी 2024 स्थान रामलीला मैदान महर्षि आश्रम महर्षि नगर सेक्टर 110 नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। सीधा प्रसारण सदगुरुनाथ जी महाराज के YouTube चैनल पर देखें। भक्तमय कथा का आयोजन करवाने एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 6391292929 8917020202। विख्यात शिव महापुराण कथा वाचक सदगुरुनाथ जी महाराज के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।